टुक टुक टॉक शो देखने वाले सभी प्यारे भाइयों और बहनों को, अजीज दोस्तों को, विश्वजीत सोनी का प्यार भरा, मस्ती भरा, प्रेम भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है टुक टुक टॉक शो में विनोद। विनोद जी, आपका हमारे टुक टुक टॉक शो में स्वागत है। मेरा नाम विनोद नहीं, विनोद है। पूरा मेरा नाम विनोद खन्ना है। क्या करें, सोशल मीडिया में उसका है बड़ा चर्चा। अगर मीडिया में उसका है चर्चा तो उसको कोने में जाके दूंगा खर्चा। अच्छा, जब्बर सिंह ने दो ही बातें सीखी है, एक मौके का फायदा उठाना और दूसरा अपने दुश्मन का नाम और निशान मिटा देना। ठीक है, कहीं उसके पास यानी कि विनोद के पास कहीं तमंचा हुआ तो? ऐसे अमंचे तमंचे तो बच्चे बच्चे भी लेके घूमते हैं। देखिए, अगर आपको विनोद से इंटरव्यू लेना है तो विनोद को बुलाइए। मैंने कितनी बार कहा मेरा नाम विनोद है, विनोद है, विनोद है। मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता हूं, विनोद को ही क्यों नहीं बुला लेते हो? चलिए छोड़िए, हम विनोद की बात नहीं करते। हमारे साथ हैं विनोद यानी के विनोद खन्ना जी। विनोद खन्ना जी, ये तो मैं थोड़ी बहुत आपसे मजाक कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कहीं आप वो डाकू वाले किरदार में आए हो तो मैं आपसे खुल के सवाल जवाब कैसे करूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा विनोद को लेके मजाक किया। मैं भी मजाक कर रहा था, आपसे दिल लगी कर रहा था। तो पहली फिल्म आपकी कौन सी थी ये आप बताएं। मेरी पहली मूवी है मन का मीत। उस मूवी में सोमदत्त जी थे जो हीरो थे और वो सुनील दत्त जी के भाई थे। उनकी भी पहली मूवी थी और मेरी भी पहली मूवी थी और लीना चंदावरकर की भी पहली मूवी थी। हम तीनों की ये पहली मूवी थी और दत्त साहब ने मुझे इस मूवी में ब्रेक दिया था और मैंने नेगेटिव रोल किया था। और एक सवाल, फिल्म मेरा गांव मेरा देश में जो आपने डाकू वाला किरदार किया, लग रहा है कि कोई डाकू चला रहा है सामने से, और आपने जो मेरा गांव मेरा देश में जो वॉक की है, उस वॉक की हर कोई कॉपी करता है। क्या शानदार है आपकी वॉक। मेरी है शानदार वॉक, उससे भी शानदार है आपका टुक टुक टॉक। आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ, तो मेरा गांव मेरा देश की हम बात कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में जो आपने डायलॉग बोला है, और भी पुरानी मूवीज जो मैं आपकी उठा के देखता हूं उसमें आपने जो डायलॉग्स बोले हैं, मुझे लगा कहीं ना कहीं आप इतना फास्ट डायलॉग बोल रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने बाद में की मूवीज देखी तो उसमें आपने रुक रुक के डायलॉग बोले। कोई भी जब नया कलाकार आता है तो एक तो वो सहमा हुआ होता है और वो डरा हुआ होता है। उसे यह लगता है कहीं मुझसे गलती ना हो, कहीं मेरा डायलॉग चुक ना जाए। उसकी ऑडियंस भी नहीं बनी हुई होती है तो वो क्या करता है, फास्ट डायलॉग बोलता है। वो मैं ही नहीं, हर कलाकार यही करता है। आज मैं आपको बताता हूं, मेरा गांव मेरा देश में जो मेरा डायलॉग था उसका मैं एग्जांपल देता हूं। मैं आता हूं और मैं कहता हूं, हरिया के खिलाफ अदालत में गवाही तो ही दे रहा है, तू जानता नहीं है, हरिया साथी है मेरा, जीप कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, कहां से लाई है हिम्मत, नहीं गोली यहीं चलेगी, हम चाहते हैं तेरे घर वाले, तेरे गांव वाले सब देखे ठाकुरों के साथ गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। सुना नहीं तेरे आदमी ने क्या कहा, अंदर जा। अब मेरी ऑडियंस नहीं थी, लेकिन इस मूवी के बाद मेरी जो ऑडियंस बनी है, अगर यही डायलॉग मैं ऑडियंस बनने के बाद बोलता तो एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं तो ये डायलॉग मैं कैसे बोलता। हरिया के खिलाफ अदालत में गवाही तो ही दे रहा है, तू जानता नहीं है
हरिया साथी है मेरा, जीभ कुछ ज्यादा लंबी हो गई है। सुना नहीं तेरे आदमी ने क्या कहा, अंदर जा। तू ये डायलॉग में इतना आस्ते इसलिए बोलता है कि मुझे मालूम है मेरी ऑडियंस है। तो एक ठहराव अपने आप कलाकार में आ जाता है, चाहे कोई भी कलाकार हो। और एक सवाल, आपकी और अमिताभ बच्चन जी की जो जोड़ी पर्दे पे अच्छी लगती थी, वाह, ऐसा लगता था स्क्रीन पे कि दो शेर आ गए, ऐसे दो शेर सामने से आ रहे, वो अट्रैक्शन पड़ता था, क्या बात है जी। मैं यही कहूंगा, मेरी और अमित जी की जो जोड़ी थी वो हम दो शेर ही थे। आपने सही कहा, इस फिल्म इंडस्ट्री के हम दो शेर। चल घर जल्दी, हो गई देर, एक है शेर तो दूसरा है बब्बर शेर। ये बात तो है। और एक न्यू जनरेशन के लिए कोई आप संदेश देना चाहें तो आप क्या संदेश देंगे? मैं न्यू जनरेशन के लिए यही संदेश दूंगा, एक मैसेज दूंगा कि कोई भी अगर काम का फोकस रखते हो तो उसे पूरा करो, टारगेट रखो। जैसे मैंने अपने डैड से कहा था कि मुझे 2 साल चाहिए, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हुआ तो मैं आपका बिजनेस संभालूंगा। लेकिन मैंने अपने आप को 2 साल दिया और डैड से 2 साल लिया, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया और मुझे मन का मित मूवी मिली। उसके बाद मैं विलेन बन के आया और हीरो बन के फिल्म इंडस्ट्री को त्याग दिया और मैं ओशो में गया, तो मैंने पूरा ध्यान ओशो पे दिया। 7-8 साल मैंने वहां निकाले, वहां मैंने माली की नौकरी की, जूठे बर्तन धोए, बहुत सारा काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब फिल्म इंडस्ट्री को मेरी जरूरत है, फिल्म इंडस्ट्री को इंसाफ चाहिए, तो मैं आ गया वापस फिल्म इंडस्ट्री में और मैंने इंसाफ मूवी में काम करके फिल्म इंडस्ट्री के साथ मैंने इंसाफ किया। इंसाफ करना ही था तो मैं वापस फिल्म इंडस्ट्री में मैंने ध्यान दिया, मैंने काफी सारी मूवीज की। उसके बाद मुझे लगा कि अब राजनीति को मेरी जरूरत है, तो मैं पॉलिटिकल लाइन में चला गया और मैंने वहां जाके पूरा ध्यान दिया। कहते हैं डूबती हुई कश्ती भी संभल जाती है, इरादा अगर नेक हो तो हर मंजिल मिल जाती है। विनोद खन्ना जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे टुक टुक टॉक शो में आए, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको दोस्तों हमारा शो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।